नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हम ये वीडियो देखने के पहले और जानकारी लेने के पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं भगवान के नाम से। तो सब लोग कमेंट में लिख दें हर हर महादेव, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि सावन का महीना शुरू हो गया है और सावन महीने में आने वाले सोमवार का बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन विधि विधान के साथ शिव जी की पूजा करने से हम हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। यूँ तो सभी 12 माह का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन शिव भक्तों के लिए सावन मास सबसे खास होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और इस माह में की गई पूजा अर्चना का फल कई गुना अधिक मिलता है। इस साल सावन में वन मास या अधिक मास लग रहा है, जिस वजह से सावन एक की जगह 2 महीने का रहेगा। भोले भंडारी के भक्तों को शिव की आराधना के लिए काफ़ी समय लगेगा। सावन के कांवड़ यात्रा और सोमवार व्रत का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं कि इस साल सावन महीने की शुरुआत कब से हो रही है और सोमवार पूजा की विधि क्या है। सावन में आपको प्रातः काल उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहन लें। इसके बाद मंदिर को साफ कर गंगा जल छिड़क लें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। दूध और गंगा जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। शिवलिंग पर चीनी, शहद, बेलपत्र, धतूरा, फल फूल और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। अब शंकर जी के सामने घी या तेल का दीपक जलाएं। पूजा के बाद शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें, फिर शिव जी की आरती अवश्य करें, शिव मंत्रों का जाप करें। वो मंत्र हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारबिंदे, भावम भवानी सहितम नमामि। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र अवश्य पढ़ें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मूर्च्छयमामृतात्। अगर आपको ये मंत्र नहीं बोलने आ रहा है तो आप ये मंत्र अवश्य सुने। बार बार सुनने से आपको ये मंत्र याद भी हो जाएंगे और आपके लिए भगवान की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। उसके बाद आप पूजा सामग्री क्या क्या यूज़ करें, बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है, इसके ये सब जो मैं आपको सामग्री बताने जा रही हूँ, वो सबसे आप भगवान को इतना प्रसन्न कर सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों को शिव भोले बाबा क्यों बोला जाता है, क्योंकि भोले बाबा बहुत ही भोले हैं। उनको अपने भक्तों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। उनको जो थोड़ी प्रेम भक्ति दिखा दी, वो खुश होके भोले बाबा उन्हें उनके सारे वरदान दे देते हैं। आप जैसा जानते हैं कि भगवान शिव ने कितने राक्षसों को भी आशीर्वाद दिया है। क्यों? क्योंकि भोले बाबा बहुत ही ज़्यादा भोले हैं। बस उनके पूजा मात्र से, उनको प्रसन्न करने मात्र से वो
अपने भक्तों की सारी खुशियाँ सारी विशेष पूरी करने में नहीं चूकते हैं। तो वो सामग्री का लिस्ट इस प्रकार है, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, शहद, पंचामृत, सुपारी, कच्चा दूध, गंगा जल, चीनी या मिश्री, फल, सफ़ेद चंदन। इस साल सावन महीने की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है और 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। कावन यात्रा भी 4 जुलाई से ही शुरू होगी। बता दें कि सावन का पहला सोमवार का व्रत 10 जुलाई 2023 को रखा जाएगा। इस बार सावन में 8 सोमवार होगा। तो दोस्तों, आप कमेंट में हर हर महादेव लिखें और आप भगवान को प्रसन्न करने में लग जाएं। धन्यवाद।